सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें, ताकि आपके राशि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 8 मई 2021 शनिवार के आपके राशिफल के बारे में। सबसे पहले जिनका भी आज बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शनि देव की कृपा से आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी की तरक्की पर रहें। दोस्तों आज शनिवार का दिन है और आज के दिन शनि महाराज को सच्चे मन से पुकारने से आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से और सच्चे दिल से जय शनिदेव जरूर लिख दें। चलिए हम इस वीडियो में जानेंगे आपकी खुशियों के साथ साथ ऐसी कौन कौन सी परेशानियां और कष्टों को लेकर आने वाली है, जिससे आपको सावधान रहना है। और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी चीजों से लेकर आपके राशि पर क्या असर होगी, हम पूरी विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिन्हें वीडियो के अंत में काफी अच्छे विचार दिए गए हैं, आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज 8 मई 2021 दिन शनिवार का है। तिथि कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि बन रही है, जो कि यह ठीक शाम के 5:21 तक चलेगा और इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र बन रही है, जो कि यह ठीक दोपहर 2:47 तक चलेगा और इसके उपरांत रेवती नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। योग की बात करें तो विष कुंभ नामक योग बन रही है, जो कि यह ठीक शाम के 7:59 तक चलेगा और इसके उपरांत प्रीति नामक योग प्रारंभ हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय का समय सुबह के 5:53 पर और सूर्यास्त होगा शाम के 6:53 पर और चंद्र उदय का जो समय है वो रहेगा ठीक सुबह के 3:54 पर और चंद्रास्त होगा शाम के 4:10 पर। सूर्य राशि रहेगा मेष राशि पर और चंद्र राशि चंद्रमा मीन राशि पर संचार करेगा। अर्थात आज का शुभ समय यानी अभिचित मुहूर्त की बात करें तो यह सुबह के 11:57 से लेकर ठीक दोपहर 12:49 तक चलेगा। अब बात करते हैं आज का अशुभ समय यानी राहु काल की बात करें तो यह सुबह के 9:08 से लेकर ठीक सुबह के 10:45 तक चलेगा। याद रखिएगा मित्रों, राहु काल के समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आप बिल्कुल भी ना करें, वरना आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आ सकती है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रातें छोटी लगती है, जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा मत कीजिए। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूँ सबको, पर जब उनको मेरी जरूरत होती है तब जिंदगी को समझना बहुत ही मुश्किल है। कोई सपनों के खातिर अपनों से दूर रहता है और कोई सपनों की खातिर अपनों से। किसी ने पूछा, उम्र और जिंदगी में क्या अंतर है, बहुत ही सुंदर जवाब, जो अपनों के बिना बीती वो उम्र है और जो अपनों के साथ बीती वो जिंदगी है। ईमानदारी से कमाई करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हो, पर नींद जरूर पूरी होती है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अब आपके डेली राशि फल की। आज का दिन तारीफ और प्रशंसा से भरा रहेगा। आपके बेहतरीन कामों के लिए पुरस्कार भी मिल सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे आपकी सच के साथ बने रहने की खासियत से आप अपने से प्रतिस्पर्धा करने वाले
कई लोगों के रोल मॉडल बन पाएंगे। हम आपको बताना चाहेंगे, आज कोई फैसला कार्यान्वित करने से पहले एक बार फिर से सोच लें, अन्यथा आपके कार्य बिगड़ सकते हैं और आपके साथ धोखाधड़ी की भी संभावना हो सकती है। अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात की जाए तो हो सकता है कि आज आप अपनी नियमित एक्सरसाइज करने के मूड में ना हो, लेकिन इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। हम आपको बताना चाहेंगे, थोड़ी ज़्यादा हर्बल चाय बनाकर पिए, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहेगी। हम आपको बताना चाहेंगे, एक बार फिर से अपनी एकाग्रता और कष्ट को अपनी व्यक्तिगत के देखभाल के लिए प्रयोग करने की कोशिश करें। आपको बता दें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आज आपकी स्वास्थ्य और भी खराब हो सकती है। आपको उसके प्रति अधिक से अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके लव लाइफ की बात करते हैं। अपने अपनी सारी बातें अपने तक ही सीमित रखी हुई थी और समय है कि आप अपने साथी के साथ इसे साझा करें। हम आपको बता दें, यदि आपके कुछ रहस्य और डर है तो उनका भी भली भांति सामना करें। हम आपको बताना चाहेंगे, आपका साथी बातों को साझा करने में विश्वास रखते हैं और वह आपके स्वभाव की सराहना करेगा। हम आपको बताना चाहेंगे, कुंभ की राशि का चंद्रमा आपकी कुंडली में चमक बिखेर रहा है, बस आपको ध्यान रखना है और एक दूसरे से बात की अपनी बात साझा करने के साथ आपके रिश्ते को काफ़ी दूर तक ले जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है और अपने पार्टनर के साथ अधिक से अधिक समय बिताना है। चलिए बात करते हैं अब आपके करियर और बिजनेस के बारे में। आप कुछ समय से अपनी विलंब परियोजनाओं के लिए धन संचित कर रहे थे और अब अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन को ये सही समय है। हम आपको बताना चाहेंगे, जब आप कुछ वस्तु खरीदने जाएंगे तो हो सकता है कुछ बड़ी एवं सुव्यवस्थित चीज को देखकर उसे खरीदने की सोचें, परंतु आपको अपने बजट के भीतर ही रहकर काम करना है, अन्यथा व्यय आज आपके परिहार है। लेकिन आज अनावश्यक चीजों पर खर्च करने से बचें। हम आपको बताना चाहेंगे, आज आपके धन के अधिक खर्च होने की आशंका बन रही है, आपको सावधान रहना है। दोस्तों, अगर इन बातों से आप सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिख दें, ताकि शनिदेव का कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।